इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने वन प्लस नोट सी थ्री लाइट 5G के मोबाइल फोन एक सेटिंग देखने को मिल रहा है ऑटो ब्राइटनेस का, तो दोस्तों आप जो है इस सेटिंग को सेट करके इसका यूज कैसे कर सकते हैं, इससे क्या होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा वन प्लस नोट सी थ्री लाइट 5G मोबाइल फोन के सेटिंग में। सेटिंग में आकर यहाँ पर आपको नीचे आना है, तो नीचे आने पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो ब्राइटनेस का। अब दोस्तों देखिए बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग आपके फ़ोन में ऑन ही रहता है, लेकिन मान लीजिए अगर इस तरीके से बंद है तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन का ब्राइटनेस जो है ऑटोमेटिक दोस्तों कम और ज़्यादा होगा। कब कब कम और ज़्यादा होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप किसी अंधेरे वाली जगह से किसी रोशनी वाली जगह में जाएंगे, मान लीजिए आप दोस्तों किसी कमरे में है, तो कमरे में अगर कम लाइट है तो वहां पर आपका फोन का ब्राइटनेस कम रहेगा, लेकिन आप जैसे ही कमरे से अगर आप बाहर आएंगे, मान लीजिए अगर आप धूप में आते हैं या सूर्य की रोशनी में, तो वहां पर आपका ब्राइटनेस ऑटोमेटिक फुल हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, आपको जो है करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आप किसी दोस्तों अंधेरे जगह से रोशनी वाली जगह पर जाएंगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, और अगर आप किसी रोशनी वाली जगह से अंधेरे वाली जगह में आएंगे जहां पर रोशनी कम है, तो वहां पर आपका ब्राइटनेस जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, आपको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वहां पर आपका ब्राइटनेस अपने आप घट जाएगा। अगर आप किसी रोशनी वाली जगह से कम रोशनी वाली जगह पर आएंगे तो इस तरीके से आप दोस्तों जो है इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं अपने वन प्लस नोट सी थ्री लाइट 5G के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।